नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉन। तो अगर आपने स्क्रॉन का लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को तो पता ही होगा कि स्क्रॉन में ना हमारी एक टाइप से रिबर्थ जो है हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं स्पेस के बाहर, मतलब कि स्पेसशिप के बाहर। उसके बाद जो हम चल चल कर आते हैं स्पेसशिप के अंदर और वहां पर ना हमारे पीछे मतलब हमारी बॉडी पे जो एक क्रिएचर होता है वो चिपक जाता है। पता नहीं वो क्यों चिपका हुआ, उसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी। और फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे एक टाइप का जो पजल है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 4x वाला, और उस पजल को सॉल्व करने के बाद हमें एक टर्टल टाइप सा मिल जाता है। और इसके अलावा और कुछ भी हमें मिलता है, लाइक एक गन टाइप की, शायद वो गन नहीं मिलती है, सिर्फ एक टर्टल टाइप का मिलता है। और जो है आज से हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो है उसी वाली पजल के सामने खड़ा हुआ हूँ। और ये जो पजल है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल से सॉल्व कर पाया था, और उसके बाद जो है मुझे टर्टल मिल गया था। टर्टल ना मेरी यहाँ पे बॉडी पे चिपका हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो क्रिएचर है ना ये भी मेरे बॉडी पे चिपका हुआ है। अब क्रिएचर का जो एक मतलब दोनों हाथ तो पहले अंदर थे, बट अभी जो है एक हाथ अंदर है और एक हाथ जो है बाहर है। बाहर ना उसने यहाँ पे टर्टल जो है पकड़ के रखा है। अभी मुझे टर्टल तो नहीं लग रहा, बट उसी टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। लेकिन अभी इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर है मुझे कुछ मिला है यहाँ से तो अच्छी वाली बात ही है। और मेरे हिसाब से ये जो साइन है ना, ये मैंने पहले कहीं देखा है इसमें कि एक लाइट चल रही है। एक सेकेंड, ये साइन जो है पीछे की तरफ था, तो एक बार मैं जरा पीछे की तरफ चलकर देख लेता हूँ। जहाँ से कि मैं आया हुआ था वहाँ पर ना एक गेट बंद था, और उस गेट ना वो खुल ही रहा था। तो एक बार जो है मैं यहीं पर चलकर देख लेता हूँ कि वो जो गेट है अभी खुल सकता है या फिर नहीं खुल सकता है। बट यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं ना, अभी मुझे इस गेट का ही नहीं पता है कि वो जो गेट है वो किधर है। शायद यहाँ पे था, नहीं ये तो वो जगह है जहाँ से मैं स्पेसशिप के जो है अंदर की तरफ से आया था। मतलब ये जो पीछे वाली जगह है ना, एकदम से पीछे पूरी तरीके से जो है फूट गई थी, और उसके बाद जो है हमारा जो पहला वाला जो कैरेक्टर था ना वो मर चुका था, और फिर हम जो है रीबर्थ होकर बाहर की तरफ से फिर से अंदर की तरफ आए हुए थे। तो मेरे हिसाब से वो जो गेट है ना वो यहीं कहीं होना चाहिए, बट वो जो गेट है वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। और राइट सामने की तरफ ही रहा, फाइनली ये जो गेट है ये तो मुझे मिल चुका है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, एक सेकंड, ये क्या चीज़ है। हाँ यहाँ पे तो मैंने अपने हाथ में जो लकड़ी है वो लगाई हुई थी, तो और यहाँ पे ना मुझे वो मिल गया था चूड़ी वाला, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया था उस पजल को। और यहाँ पर ना इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या। ऑल राइट ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे ये जो है वो मिली हुई थी, मतलब एक टर्टल मिला हुआ था और एक गन भी मिली हुई थी। ये जो गन है पता नहीं क्या है, लेकिन इससे मैं सारे के सारे जो गेट है वो ओपन कर सकता हूँ, जिसमें से मतलब जिसमें भी ये जो एक लाइट है वो जल रही हो। तो अभी मैंने एक लाइट वाला ये वाला जो गेट है ये तो ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे हो सकता है मुझे और भी जो गेट है वो मिल जाए जिसमें कि सिर्फ एक लाइट ही जलती हो। तो यहाँ पर मुझे आराम से जो आगे की तरफ चलते रहना चाहिए, और मेरे हाथ में गन तो है ना। ऑल राइट ये जो गन है मुझे पहले ही मिल चुकी थी, और इससे मैंने ना वो बड़े वाले जो लाइट वाले जो बल्ब होते हैं ना उनको यहाँ पे फोड़ दिया था। वैसे मुझे ना उनको देख के किसी की याद आ गई थी। और ये क्या है भाई, मुझे लग रहा था यहाँ कोई चिपका हुआ है, और अंधेरा इतना है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक सेकेंड, मुझे बहुत डर लग रहा है, सही सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ से आया अभी और मुझे पता ही नहीं है मुझे किधर जाना है। यहाँ पे मैप वगैरह भी नहीं है इस गेम में कि मैं मैप वगैरह देख लूँ। ऑल राइट ये रास्ता बंद है, तो फिर यहीं पर जाना होगा क्योंकि एक ही रास्ता जो है यहाँ पर खुला हुआ है। अभी यहाँ पर एक स्पेसशिप है और मुझे एक स्पेसशिप के बाहर की तरफ जाना है। इसमें भी ना एक लाइट जल रही है, तो मतलब मैं इसको भी खोल सकता हूँ। बट एक बार मैं यहाँ पर चलकर देख लेता हूँ यहाँ पर मेरे कोई काम की चीज़ है कि नहीं है। यहाँ से तो रास्ता ही बंद है, तो फिर मुझे इसी वाले गेट के अंदर जाना पड़ेगा। इसको भी जो है मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ऑल राइट मतलब ये पूरी की पूरी ना एलियन टेक्नोलॉजी है। ये तो ऐसा हो गया जैसा कि हम टीवी में रिमोट को ये चैनल चेंज करते हैं ना, वैसे ही बटन दबाओ और रिमोट का टीवी का जो चैनल है वो चेंज हो जाता है। ऐसा ही ये है कि इसका बटन दबाओ उस गन का और यहाँ पे जो गेट है वो ओपन हो जाता है। फिलहाल के लिए ये जो लिफ्ट है इसकी हेल्प से मैं ऊपर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा। ऑल राइट तो अभी नीचे मुझे कोई ख़तरनाक क्रिएचर वगैरह ना मिल जाए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस क्रिएचर से परेशान हूँ जो कि ये मेरी बॉडी पर चिपका हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। एक सेकेंड यहाँ, एक सेकेंड। ऑल राइट ये फिर से नौटंकी करने लगा ये क्रिएचर। इसने जो टर्टल है ना जो मुझे मिला हुआ था वो मेरे बॉडी के अंदर घुसा दिया, लगता तो मुझे ऐसा ही है। नहीं नहीं घुसा के इसने बाहर की तरफ निकाल दिया। सही है, ये किस टाइप की मशीन है भाई। ठीक है तो मैंने इसके अंदर टर्टल डाल दिया, शायद इसमें से किसका कुछ काम हो जाए। ये हो कह रहा है, लेकिन ये टर्टल नहीं है, टर्टल ज़्यादा शेप का है। बट इसमें कुछ हुआ ना, इसमें चार ये जो इसकी ब्रांचेस थी ना वो यहाँ पे फूल चुकी हैं। चलो अच्छी बात है, बाद में जो है कभी काम में आ जाएंगे क्या पता।
एक सेकेंड, यहाँ मेरी हेल्थ कम क्यों हो गई? शायद से इसने मेरे अंदर ये जो क्रिएचर जो चिपका हुआ है ना, इसने मेरे अंदर की तरफ कुछ किया हुआ था, इस चक्कर में मेरी यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हेल्थ है कम हो गई है। तो मैं इसको बड़ा कैसे सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। एक सेकेंड, ही बढ़ेगा कैसे? ओ कुछ तो बताओ यार, पता नहीं कैसे बढ़ने वाला है अभी ये। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ चल लेता हूँ, पता चलेगा बाद में कि आखिर में वो जो ब्रांचेस हैं उसकी फूल क्यों गई है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है दो रास्ते दिए गए हैं। एक सेकेंड, इस रास्ते पे कुछ ढंग का मिल जाए मुझे तो बेटर है, क्योंकि बाहर की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। और यहाँ पर भी एक बटन है, मतलब इस गेट को भी जो है मैं खोल सकता हूँ, बट एक बार जो है मैं पहले वहाँ पर होके मतलब देखने के लिए चलता हूँ कि वहाँ पर आखिर में क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे के पूरे स्पेसशिप में ना टनल ही बनी हुई है और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वाले रास्ते पर तो कुछ नहीं है। ये भी उसी टर्टल वाले शेप का है, एक ये भी कोई क्रिएचर होगा बड़ा वाला। मेरे हाथ में छोटा वाला है और ये बड़ा वाला क्रिएचर है। यहाँ से मैं अभी आया था, तो फिर मुझे इसी वाले के अंदर चलना है। यहाँ पे जो गेट है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, तो आगे की तरफ और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाऊँगा। ऑल राइट, इसको यहाँ पे जो है ओपन कर लेता हूँ इस रिमोट कंट्रोल से और चलता हूँ यहाँ पे आगे की तरफ। ये एकदम नई जगह है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक टनल है और ये सामने की तरफ कुछ है लेकिन पता नहीं क्या है। ऊपर की तरफ यहाँ पे रोशनी वगैरह आ रही है। ऑल राइट, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है? एक सेकेंड, यहाँ पर इसने क्या किया? फिर से क्यों नहीं कर रहा है ये? फिर से करना यार, फिर बस कितने। ऑल राइट, तो यहाँ पर शायद से मेरी इससे हेल्थ बढ़ती है। जो ब्रांचेस फूली हुई थी अब इसमें सिर्फ तीन ही ब्रांचेस फूली हुई हैं और बाकी की जो मतलब एक ब्रांचेस जो है वो एकदम चिपक गई है। ऑल राइट, मतलब ये जो है मुझसे मेरे मतलब हेल्थ के लिए ही है, इससे मैं हीलिंग वीलिंग कर सकता हूँ। और आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है यहाँ से, फिर से करके देखूँगा हीलिंग। ऑल राइट, अभी नहीं होगी। अगर फिर से जो क्रिएचर है मुझे नुकसान पहुँचाएगा, वापस से मेरे अंदर बॉडी के अंदर जो अपने हाथ वात है वो डालेगा यहाँ पे, तो फिर से मैं जो है एक बार फिर से जो हीलिंग वीलिंग है वो कर पाऊँगा। यहाँ पर टनल ही टनल है, कोई रास्ता ही नहीं है। एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है? अब ये भी किसी टाइप की जो मशीन है ये लग रही है मुझे। ऑल राइट, इसके अंदर भी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। फिर से हीलिंग करके चेक करता हूँ, अभी नहीं होगी हीलिंग। अभी हो जाएगी क्या? अभी भी नहीं होगी। हो सकता है वो सिर्फ कभी कभार हीलिंग होती हो। यहाँ पर ये भी वही, ये जो यही टर्टल है, मतलब इसका शेप थोड़ा सा गोल में है और इसका लंबे में है। और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये गेट है, इसको मुझे यहाँ से ओपन करना होगा। ऑल राइट, और यहाँ पर ये मेरे हिसाब से लिफ्ट है। ऑल राइट, तो अभी पता नहीं है जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। वैसे मैं बहुत देर से जो है ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ, बट ये फिर से जो है किधर जा रही है? ठीक है, नीचे की तरफ ही जा रही है। मतलब मैं ना उस बड़ी वाली शिप में और अंदर की तरफ जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ। मतलब मुझे शिप के बाहर निकल रहा है और मैं उल्टा नीचे जाता जा रहा हूँ। और इस शिप से बाहर निकलने नहीं, मुझे इस शिप से बाहर नहीं निकलना होगा, क्योंकि अगर मुझे बाहर निकलना होता ना तो जब मेरी रीबर्थ हुई थी तो मैं शिप के बाहर ही था, तो वहाँ से आसानी से भाग सकता था। मेरे हिसाब से मुझे जो है इस शिप को फिर से एक्टिवेट करके इसको किसी दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाना होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे ना दो हैं और मेरे पास एक ही है, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब ये जो रिमोट है ये काम नहीं करेगा। मतलब ये ना आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो पहले वाली जो मतलब गेट था ना वो सैमसंग का था और यहाँ पे MI का गेट है। इस चक्कर में यहाँ पे दो लाइट जल रही हैं और दोनों के रिमोट अगर अलग अलग हैं दोनों TVs के, तो किस टाइप से वो जो है काम कर जाएंगे? अच्छा एग्जांपल हो तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से आया था ना, ठीक है, और यहाँ पे गेट है, ये वाला गेट बंद है। एक बार यहाँ पर चलकर देख लेता हूँ, उसके बाद जो है सेंटर में जाऊँगा। यहाँ पर कुछ मिल जाए तो बेटर है, जिससे कि मैं शिप को चला सकूँ। यहाँ पे अब दो रास्ते आ चुके हैं, सबसे पहले यहाँ पर चलता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या मजाक है? मुझे धक्का लग गया एकदम से। एक सेकेंड, ये क्या नौटंकी है?
ये हिल क्यों रहे हैं यार, डर लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड भी कुछ उसी टाइप का आ रहा है, और नीचे की तरफ ना एक मैकेनिज्म लग रही है मुझे, और यहाँ पे एक अंगूठी की डिज़ाइन का एक बड़ा सा बॉक्स है, यहाँ पे भी वही है, और नीचे की तरफ एक और है जिसको पकड़ सकते हैं। मतलब ये भी शायद से एक टाइप के मैकेनिज्म होगी जो कि यहाँ पे बंद पड़ी पड़ी है, मतलब बंद हुई हुई है, जिससे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो शेल्स हैं वो यहाँ पे ऊपर की तरफ लटके हुए हैं। यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, मुझे डर लग रहा है। ऑलराइट, एक बार ये वाले रास्ते पर चलकर देख लूँगा, उसके बाद एकदम सेंटर में चलूँगा। मेरे हिसाब से इस रास्ते पे कुछ होगा क्या? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और ये क्या चीज़ है? ऑलराइट, तो यहाँ पे ये फिर से है, मतलब इससे शायद से मैं अपने इसमें दो लाइट चालू हो चुकी है, मतलब अब मेरा जो रिमोट है ना वो यहाँ पे MI TV का रिमोट बन चुका है, और अब मैं MI TV के मतलब MI के सारे जो डोर हैं वो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से रास्ता ही बंद है, एक सेकेंड, यहाँ रास्ता बंद है, और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये वाला रास्ता तो सही है। और यहाँ पे ना आपने नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पर एक टाइप का एक व्हील है ये, और आगे की तरफ भी इसी टाइप का एक व्हील है, बट ये वाला जो व्हील है ये तो सही मतलब तरह से खुला हुआ है, बट आगे वाला ठीक तरीके से नहीं खुला हुआ। ऑलराइट, ये मेरे हिसाब से ये वाला रास्ता ना बीच वाले रास्ते से मिलता होगा 100%, एक बार चल कर देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये वाला जो रास्ता एकदम सेंटर वाले रास्ते से मिलता है, मतलब मैं गोल गोल घूम के यहीं पर आ गया, और मैं यहाँ पर तो नहीं जाना, मुझे एक काम करता हूँ यहाँ पर चलता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी MI TV का जो रिमोट है वो आ चुका है। ऑलराइट, चलो यहाँ पर चलकर देख लेता हूँ आखिर मैं यहाँ पर क्या है। ये शायद से वो नीचे वाली जगह है जहाँ पर कि उन व्हील्स, एक सेकेंड, ये कौन सा क्रीचर है? ये चल क्यों रहा है ये? इसकी तो एक सेकेंड, ये क्या छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ रहा है? इसकी तो निकल। ऑलराइट, ये यहाँ पे एसिड छोड़ने में लगा हुआ है, निकल इधर से, अबे निकल ना, ये लग क्यों नहीं रहा? ऑलराइट, एक सेकेंड, ये क्या नोटक है? अबे छोड़ दे बे, क्या है? ठीक है, कितना क्रीपी था ये, और मेरी हेल्थ भी ले गया ये, हेल्थ बढ़ा लेता हूँ अभी, सही है, एक और बार बढ़ाता हूँ। ऑलराइट, फुल ही कर लेता हूँ ना, अब तो फुल हो जाएगी मेरे हिसाब से, नहीं अभी भी नहीं होगी, अभी भी यहाँ पे एक जो हेल्थ है वो बची हुई है। ऑलराइट, मतलब ये ना किसी बुरी तरीके से मरते हैं ये। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर सिर्फ मैं दो बार अटैक कर सकता हूँ अगर एक बार मेरी जो गन है एकदम फुल हो दो। तो यहाँ पर और तो जो क्रिएचर है ये तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ये है, इसको ओपन कर लेता हूँ, मतलब इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये भाई पहला वाला डोर है, और मैंने सारी की सारी जो इनकी ब्रांचेस है ये काट दी है। अभी यहाँ पे अंदर की तरफ चलता हूँ, और जो दूसरा वाला गेट है इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, बट मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है वो जो क्रिएचर है वो कहीं से भी आ सकता है। इसको एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये भी घूमने लगा, एक सेकंड, वो जो क्रिएचर है वो आ गया, जिंदा हो गया। एक सेकंड, आ जा तेरी ऐसी कम तैसी, आ जा। किधर गया ये, गायब हो गया ए? अबे गायब किधर हो गया ये? इनके पास इनविजिबिलिटी की पावर है क्या? भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। एक सेकेंड, अरे ये आवाज़ किधर से आ रही है? अबे ये मैं रास्ता भूल गया है, किधर ये? इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। ऑलराइट, जिससे कि वहाँ से भी जो रास्ता है वो मेरे लिए बन जाएगा वापस से। बहुत डर लग रहा है सच्ची बता रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी से। ये क्रिएचर और आ गया यार, पहले कितना शांति थी यार ये क्रिएचर,
अरे यार मैं निकलूं किधर से अब, मुझे अभी भी आवाज आ रही, चिपका तो नहीं है मेरी बॉडी से कहीं? अभी भी आवाज आ रही है मुझे, ऊपर तो नहीं चिपका कहीं? अरे मैं किधर से जाऊं, यहां से आया था मैं। एक सेकेंड, इसको तो मैंने मार दिया ना बढ़िया। एक सेकेंड ये आ गया, आजा तेरी ऐसी कम तैसी। एक सेकेंड भाग के दर आजा। एक सेकेंड ये क्या फेंक रहा है, इसकी ऐसी कम तैसी। एक सेकेंड ये ले, एक सेकेंड ये ले। कितनी पूरी पूरी एचपी कम कर दी, नहीं की क्या? चलो बढ़िया है, एचपी तो कम नहीं हुई मेरी, बच गया। इसी की मुझे आवाज़ आ रही होगी तब से। अभी फटाफट से यहाँ पे ऊपर की तरफ चल लेता हूँ, क्योंकि अब जो मतलब गेट है ना वो तो ओपन हो चुका है। अभी मैं सेंटर वाले रास्ते को पकड़ता हूँ, मतलब कि ये वाला रास्ता, और यहाँ पे अब मैं उस दरवाजे के मतलब उस गोल गोल व्हील के आगे की तरफ जा सकता हूँ, दोनों व्हील के, क्योंकि पहले तो मैं एक ही व्हील के आगे की तरफ जा पा रहा था, बट अभी दूसरे के भी आगे की तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पर मैं एचपी फिर से बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, ये वो मशीन नहीं है, दूसरी वाली मशीन है। पैटे क्रिएबर क्रीच, ये जो क्रिएचर थे बहुत ज़्यादा अजीब थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड ये किधर से आ गए इतने सारे? एक सेकेंड, ये तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है भैया, इसके लिए तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ, नीचे ना मुझे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ना ये लटका हुआ है, एक काम करता हूँ, ये जो मशीन है इसको यहाँ पे एक्टिवेट करके देख लेता हूँ, हो सकता है इससे कुछ हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ये घूम तो रहा है बढ़िया, घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, सही काम कर रहा है। चलो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, फिर से हाथ मत घुसा अंदर, नहीं बाहर निकाल ले। अरे यार तो इसने फिर से जो है अंदर की तरफ हाथ घुसा लिया है, अभी घुसा लिया था लेकिन फिर से बाहर की तरफ निकाल लिया है। चलो अभी मैंने इस रिंग वाली चीज़ को तो यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पर भी पेड़ वगैरह हिलने में लगे हुए हैं। अब ये पेड़ तो नहीं है, आपको पता है क्या है चीज़ है ये। एक सेकेंड, ये यहाँ पर आ गई है ना, एक सेकेंड, नहीं बंद हो गया ये। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये घूमने भी लगा, ये तो सही है, शायद ये मुझे कहीं दूसरी जगह पहुंचा रहा है, यहीं पर जाना होगा मुझे, ये तो सही था। और यहाँ पर भी ना इसी टाइप का एक ये है, इसको भी मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये कौन सा रास्ता है, खुलेगा नहीं मुझे पता है, इसको भी यहाँ पर घुमा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एक जाम पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। ये जो स्पेसशिप है ना ये एकदम बंद पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे जो एलियंस है इससे चिपके हुए हैं, और उसने ना उसको नीचे की तरफ गिरा दिया है। फिलहाल के लिए ये जो हाथ है ना, ये हाथ का पंजा, अब कुछ भी कह लो इसको, ये यहाँ पे फ्री हो चुका है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ शायद से मुझे यहाँ से जाना होगा। ऑल राइट, और यहाँ पर एक और क्रिएचर जो है आ गया है, अभी जो है मुझे इससे बचना होगा। फेक 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 तो फेक 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 ना फेक, ऑल राइट फेक ना फेक फेक फेक, और बच गया मैं। आ जा तेरी ऐसे कम तैसी, ये ले, दो बार तो मैंने जो है इसको मार दिया। यहाँ से रास्ता तो नहीं है, ऑल राइट यहाँ से रास्ता है, मैं यहाँ से भागूँ कैसे, मार दूँ? ये ले, ऑल राइट भागता हूँ अभी फटाफट से। आ रहा है क्या, ये ले, ऑल राइट, तो इसके मुंह में ही जो है मैंने दे दिया है, अभी सही है, निकाल इधर से। मेरी एचपी जो है ज़्यादा नहीं बची हुई है, खैर फिलहाल के लिए यहाँ पर जो रास्ता ये बंद है। ऑल राइट, तो यहाँ से मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्रिएचर्स हैं चिपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है शिप ये। ऑल राइट, कितनी ज़्यादा आगे जो है जाना पड़ेगा, मुझे आवाज़ क्यों आ रही है, एक सेकंड मुझे आवाज़ क्यों आ रही है, ये क्या थी, ततैया थी क्या थी भाई? एक सेकंड, यहाँ पे इतना बड़ा क्रीचर एक और है,
ये क्या चल नहीं पा रहा क्या है? मेरे हिसाब से इसके पीछे जो है काफी सारे क्रीचर जो है चिपके हुए हैं। ऑल राइट ठीक है, और यहाँ पे वो जो है मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्रिएटर जिंदा है और ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या फेंक रहा है। आ रहा है क्या मेरे पास? आएगा तो मरेगा, देख तू। मैं निकल लेता हूँ यहाँ से पहले ही, इससे जो है बाद में डील में कैसे करूँ। यहाँ से कोई रास्ता वगैरह तो होगा इसके अंदर जाने का, बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। वैसे तो HP कम है मेरी, ये बहुत जोर बहुत ज़्यादा तेज फेंकते हैं ये अपने। एक तो एसिड फेंकते हैं और दूसरा पता नहीं क्या फेंकते हैं ये। ऑल राइट, यहाँ पे भी कुछ दरवाजे हैं दो दो, बट पहले मैं उस साइड में चल लेता हूँ। यहाँ पर ये वही वाली मैकेनिज्म है जो कि मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ से देख रहा था। ऑल राइट, ये एक्टिवेट हो सकती है क्या? सबसे पहली दिक्कत तो ये हो गई है कि वो जो मैंने ऊपर से उठाया था वो एकदम नीचे की तरफ जाके गिर चुका है। सबसे पहले तो वो जो है मुझे उसका कुछ इंतज़ाम करना होगा अबे। ऑल राइट ठीक है, ये इसमें से लेगा और इसमें से लेने के बाद क्या करेगा ये? ये बस इधर उधर घूमता जा रहा है। ऑल राइट, यहाँ ऐसा कुछ यूज व्यूज है क्या? ठीक है, मतलब इसका ना मेरे हिसाब से दो ही जगह यूज है। ऑल राइट, इसको छोड़ देता हूँ मैं और अभी आगे वाली मशीन पे चलता हूँ। इसका यहाँ पे कुछ हो सकता है? ये घुमा और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ गया समझ गया मैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं और ये वाला जो रास्ता है ये बंद है और यहाँ पे एक वो लटका हुआ है और यहाँ पे एक वो लटका हुआ है। ठीक है, दो तो लटके हैं यहाँ पे और दो रास्ते भी ओपन हो चुके हैं। ये शायद से मैं उसी वाली जगह पर आ चुका हूँ क्या? हाँ, ये मैं उसी वाली जगह पर आ चुका हूँ। ऑल राइट, इसको फिर से एक्टिवेट करके देखता हूँ। इससे ये वाली जो मशीन है ये इधर आएगी और वापस चली जाएगी। ये क्या मजाक हुआ? ऐसा नहीं होगा, कुछ और है यहाँ पे, कुछ लॉजिक यहाँ पे कुछ और है। ऑल राइट, यहाँ से जाऊँगा तो मैं उस साइड पहुँच जाऊँगा, इतना तो पक्का है। और अगर वहाँ से डायरेक्टली चला जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए तो, क्योंकि घूम के कौन जाना चाहेगा। ये ना एक काम करता हूँ, या फिर ना मैं इसको नीचे ही लेके चलता हूँ, क्योंकि वो जो मशीन है ना वो यहाँ पे नीचे ही गिरी हुई है। और ये वही वाला रास्ता है क्या जहाँ से मैं अभी आया था? हाँ, ये वही वाला रास्ता, बट मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, बस इतना जो है चेंज हो चुका है और यहाँ का भी गिर चुका है। ठीक है, तो मैं नीचे लेके चलता हूँ इसको, नीचे जाएगा ये, इधर से जाएगा। चलो नीचे, ये भी जो है एक टाइप की लिफ्ट है इतनी बड़ी स्पेसशिप के अंदर। और अभी मैं यहाँ से आया हुआ था, नहीं मैं जो है वहाँ से आया हुआ था, इस बार ना यहाँ पर चलकर देख लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए होगा, क्योंकि वो जो एक बड़ा सा जो रिंग टाइप का वो था ना वो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा हुआ है। एक सेकेंड, ये क्या है? ऑल राइट, तो इससे जो है मेरी HP जो है बढ़ जाएगी। ये ना बस दो बार इंक्रीज किया, अबे यार ये तो नाइंसाफी है सीधी सीधी। दो बार इंक्रीज क्या करना था, चार बार कर देता पहली बार की तरह। खैर मैं इसको जो है फिर से, ठीक है अभी इतना ही रहने देता हूँ, एक जो है मुसीबत के टाइम में काम आ जाएगा। यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही मशीन ही है। ऑल राइट, नीचे भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर भी नहीं जा सकता हूँ मैं, मुझे फिर से उस क्रिएचर की आवाज़ आ रही है, एसिड उगलने वाले क्रिएचर। यहाँ पे बंद पड़ा है,
तो ये यहाँ पर होगा क्या, क्या चक्कर क्या होगा जिससे कि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ? यहाँ पे एक रास्ता है ऑल राइट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मैं इक्विपमेंट नहीं गया हूँ, यहाँ पर होके आ गया हूँ ऑल राइट, यहाँ पर तो आया था मैं। मुझे इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए ना कोई रास्ता तो होगा, बस वो मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, ये रास्ता अजीब है। हाँ मैं यहाँ पर नहीं गया हूँ ऑल राइट, मैं यहाँ से आया था। एक सेकंड, ये कौन से रास्ते हैं यार? यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। हाँ यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर जाके एक और रास्ता है ऑल राइट, और अगर मैं यहाँ तक सीधा सीधा जाऊँगा तो वो रास्ता यहाँ पे मैच हो गया है, और यहाँ पे चलता हूँ, कोई क्रिएचर ना मिल जाए बस। एक रास्ता यहाँ गया है, एक रास्ता यहाँ गया है, तो यहाँ पर चलता हूँ। एक सेकंड, नहीं नहीं ये मुझे कहीं और ले जाएगी। एक काम करता हूँ, वहाँ पर जो है होके आता हूँ, उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे। इस साइड में हो सकता है कोई और मशीन मशीन मिल जाए मुझे कोई। बड़े रास्ता यहाँ से बंद है, कुछ भी नहीं है इधर। अगर कुछ भी नहीं है तो बनाया क्यों था ये? ठीक है, यहाँ पर भी ये वाली जगह भी जो है खाली है। चलो मैं चलता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, ये क्या जाम है? ऑल राइट, तो ये जो मशीन है जाम है, यानी कि ऊपर नीचे जा नहीं सकती है ये, समझ गया। सबसे पहले तो मुझे जो है इसको फ्री कराना पड़ेगा। यहाँ पर भी बंद है, तो यहीं से फ्री हो पाएगी ये। ये वही तो नहीं है जो कि अभी ऊपर से गिरी है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो रिंग्स टाइप की मशीन्स है ना, वो सारी की सारी गोल गोल गए हैं, गोल गोल। ऑल राइट, यहाँ पर क्रिएचर लग रहा है मुझे है, पर दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल के लिए। ऑल राइट, तो इससे क्या होगा? कुछ ऊपर आ रहा है, चलो बढ़िया। ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुका है। ये वही चीज़ होगी जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ गिरी थी। एक सेकंड, ये रहा इसकी तो भागो 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 निकल, भागो भागो भागो। एक सेकंड बच गया मैं इसकी तो। ये ले और खाएगा, निकल इधर से। खैर इसने मेरी एचपी कम कर दिया, तो अभी इसको भी जो है यूज़ करना पड़ेगा मुझे। अभी थोड़ी सी फॉलो हो चुकी है, इसको तो मैंने ऊपर की तरफ भेज दिया है, तो अभी यहाँ पे आगे की तरफ चलकर देख लेता हूँ। ये रास्ता बंद है अब ना, मुझे डर नहीं लग रहा है इन क्रिएचर से। पहले डर लग रहा था जब स्टार्टिंग में आए थे, पहले पहले जो क्रिएचर को मारा था तब मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अभी तो खैर ठीक है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है क्रिएचर। ये कौन सी मशीन है भैया? ऑल राइट, ये भाई फिर से मशीन आ गई है, इसमें मेरी जो पावर है फिर से बढ़ जाएगी। एचपी मतलब 4 HP कर दे, 4 HP कर दे। ऑल राइट, तो ठीक है, इसने 4 HP कर दिया है, मतलब मैं 4 बार जो अपनी पावर से उन्हें यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गई है, यहाँ पर कोई और मशीन भी होगी। मशीन मशीन मशीन, यहाँ पर तो मशीन नहीं दिख रही है। उस साइड में हो सकती है, इस साइड रास्ता बंद है, तो मुझे और कोई रास्ता वगैरह ढूंढना पड़ेगा जिससे कि। एक सेकंड, यहाँ पर भी क्रिएचर, अभी वो मेरे पीछे आएगा। अबे नहीं यार, दो दो, शिट शिट शिट, भागो भागो भागो, दो दो क्रिएचर पीछे भी है क्या? एक सेकंड, आजा। एक सेकंड, ये ले, मर गया ना एक बार में। इसे चलता हूँ अभी मैं। ऑल राइट, अभी इसको मारना पड़ेगा मुझे इसकी तो। ये ले, दिखलो, भागो 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 भागो, कितना एसिड गिराएगा? ऑल राइट, भागो इसकी तो। ये ले,
और बोलेगा, फिर से बोलेगा, अभी ये मरेगा नहीं ना, कैसे मैं मर जाएगा ये, एक सेकंड पीछे से अभी आ रहा है, इसकी तो निकल निकल। अबे कितने क्रिएचर हैं, एचपी बढ़ाता हूँ सबसे पहले तो मैं। ऑल राइट, एक और बार, अभी सही है, यहाँ पर भी आ रहा था ना, उससे बाद में निपटूंगा, मैं पहले अंदर की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे दो रास्ते हैं, ऑल राइट, सबसे पहले इस वाले रास्ते पे चलूँगा, रास्ते ही रास्ते हैं, रास्ते ही रास्ते हैं, कन्फ्यूज कर दिया। एक सेकेंड, ये भी आ गया, इसकी तो ये ले, ये ले, भागो 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 भागो, आ जा, ये ले, ये ले, भागो 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 भागो, शिट शिट शिट, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तेरी तो, ऑल राइट, इसके मुंह में चला गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पहली बार में इनके मुंह में देना चाहिए, फालतू में इनके पीछे की तरफ मारता रहता हूँ मैं। छोड़ मेरी गन को, छोड़, चलो, एचपी तो ज़्यादा डाउन नहीं हुई मेरी। यहाँ पर आगे की तरफ ज़रूर ना कुछ तो होगा, जिससे कि ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा था एक क्रीचर, एक सेकेंड, अबे ये कौन सा क्रीचर है, अब ये दीवार में लटकने वाला क्रीचर आ गया, इतने सारे मुझे क्यों मिल रहे हैं, एक सेकेंड, ये ले, गया क्या, मर गया, कितना भयानक था ये, यहाँ पर मैं बेफालतू में आया, कुछ भी नहीं है इधर। अरे यार ऊपर की तरफ जाना होगा मुझे अभी, एक सेकेंड, अरे यार इसकी तो, आ जा, ये ले, ये ले, ऑल राइट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक ही बार में निपट गया, निकल। यहाँ पर कुछ है क्या, ऑल राइट, तो यहाँ पर एक और मशीन आ गई, इससे वो जो है और ऊपर की तरफ जा सकता है, बढ़िया, अभी मेरा काम बन जाएगा। चलो सही है, वो जो है आगे की तरफ जा चुकी है और मैं भी आगे की तरफ जा सकता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, अरे यार ये फिर आ गया, ये ले, ये ले, भागो भागो भागो, एक सेकेंड, दो दो, शिट 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 शिट, भागो 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 भागो, और तो पीछे नहीं आ रहा है ना, ठीक है, एचपी बची है क्या मेरे पास, शिट एचपी भी नहीं बची है, मतलब अब तो खेल ख़त्म है, ये भी नहीं खोल रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आ चुका है ऊपर की तरफ, और ये जगह मुझे देखी देखी क्यों लग रही है, एक सेकेंड, इसके उस साइड भी जो है क्रिएचर है, ऑल राइट, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं और यहाँ पर दो चीज़ मिसिंग है, यानी कि अब मुझे उन दो चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, तभी ये जो है काम करने वाले हैं। ऑल राइट, तो अब उन दो चीज़ों को मुझे ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ पर जाने का रास्ता है क्या, नहीं है, ये एक और बड़ी मशीन है, ये सबसे ऊपर आ चुका हूँ मेरे हिसाब से मैं, और मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर मैं जा ही नहीं सकता हूँ कहीं पर भी, और रास्ते में जो है दो क्रिएचर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसके अंदर भी जाने का कोई तरीका नहीं है, सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बंद हैं, नीचे की तरफ मैं कूद भी नहीं सकता हूँ, मतलब कि मुझे अभी दो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, तो फटाफट से यहाँ पे नीचे की तरफ चल लेता हूँ बिना जो है टाइम वेस्ट किए, मिल जाएंगे तो बता दूंगा इन क्रिएचर्स को, आ जाओ रास्ते में आएंगे, उन्हें ज़रा स्मार्ट तरीके से मारना पड़ेगा मुझे, किधर गए, मार दिया मैंने, बढ़िया, भागो भागो भागो, एक सेकंड, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, शिट, गया मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग चले गए पीछे की साइड, ठीक है जाने देता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे जो है इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे,
मेरे हिसाब से वो जो है यहाँ पर नहीं आ सकते मेरी तरफ। अब मैं ना पीछे से जाके एकदम धप्पा दूंगा तुम्हारी ऐसी कम तैसी। ये लो आ बढ़िया। अरे नहीं नहीं भाग, छोड़ दे शिट, मरूंगा मैं, छोड़ दे रे। ऑल राइट, भागो। ठीक है चलो फिर से चल कर देखता हूँ। ये ले भागो। बढ़िया भागो। ले एक बार खाएगा, अभी भी नहीं मरा। शिट क्या खाता है अभी ये। अरे यार पीछे ही पड़ गया ये तो। बस बढ़िया। ये ले और खाएगा। हाँ फाइनली जो है इनको दो को मैंने निपटा दिया और रास्ता एकदम क्लियर है। अब यहाँ से जा सकता हूँ मैं। एक रास्ता था जहाँ पर कि मैं होके नहीं आया था, तो अभी ना उस वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। इस वाली मशीन को तो मैंने यूज़ कर ही लिया था और वो जो अभी ऊपर की तरफ चली गई है और मैं इस साइड नहीं गया था, तो इस साइड चलकर देख लेता हूँ। पता था रास्ता बंद होगा तो फिर किधर जाऊँ, इधर भी रास्ता बंद ही है। एक काम करता हूँ फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ ना और भी रास्ते थे। हो सकता है वहाँ पर जाकर मुझे ऊपर के लिए दो वो मिल जाए, जो भी ऊपर की तरफ जो है रिक्वायरमेंट है, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है बस ऊपर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और राइट रास्ते में अब जो है एक भी क्रिएचर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने सबको जो है ठिकाने लगा दिया था। हिल रहा है क्या तू? मरेगा, हिलेगा तू। ऑल राइट ठीक है। यहाँ पर इस वाले रास्ते पे मैं नहीं गया था, तो अभी जो है इस वाले रास्ते पे जो है मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये वाले रास्ते पे जाऊँगा ना तो वहाँ पर मेरा जो एक और क्रीचर है वो इंतज़ार कर रहा है, इसलिए यहीं से चल लेता हूँ। एक ना एक तो ऐसे यहाँ पर भी मिलने वाला है। एक सेकेंड, ये वही तो रास्ता है ना। शिट ये तो वहीं घूम के मैं आ चुका हूँ, यहाँ से गया और यहाँ से आ गया। ठीक है तो यहीं उस क्रिएचर से जो है भिड़ना पड़ेगा। किधर गया दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से रास्ता बंद है, उस साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ पर मशीन नहीं है, यहाँ की मशीन जो है गायब हो चुकी है। ऑल राइट ये अभी काम आ सकता है क्या? नहीं, ये जो है एक ही बार यूज़ हो सकती है, जितनी भी मशीन है ना यहाँ पे एक ही बार यूज़ हो सकती हैं। आ जा, इसको बताना पड़ेगा मुझे। ऑल राइट किधर गया? ये ना इनके अंदर जाके छुप जाते हैं, छुप गया ये। अच्छी बात है छुप गया, नहीं तो फालतू मेरा दिमाग और खाता। इस मशीन को तो मैं यूज़ कर ही चुका हूँ। ये वाले रास्ते पे अभी मैं गया नहीं हूँ। और एक सेकंड, हो चुका हूँ मैं ये वाले रास्ते पे भी, मतलब मैं वापस जा रहा हूँ, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। वैसे मुझे नीचे की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ऊपर की तरफ वो तीन चीज़ें लेके आनी है। एक सेकंड, ये किधर गायब हो गया? ऑल राइट तो गायब ही हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ पे जा ही नहीं सकता मैं। शिट ये तो गलती हो गया, ये जो है कहाँ चला गया? ऑल राइट मतलब मुझे जो है यहाँ पे नीचे नहीं आना, मुझे जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ ही वो उन चीज़ों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं उन सबको ढूंढ सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से ऊपर ही चलना होगा इन मशीन्स को मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ। कोई एकाध कोई रास्ता होगा जो कि मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, हो सकता है वहाँ पर हो कुछ कि यहाँ पर खुलेगा नहीं, रास्ता बंद है। ये रास्ता भी बंद है, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। वो जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा चुका है, तो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए मुझे।
एक सेकंड, ये रास्ते पे नहीं गया हूँ ना अभी मैं? ऑल राइट नहीं हो चुका हूँ, वहीं से तो गया था मैं। यहीं पर जो है क्रीचर मिले हुए थे मुझे, यहाँ से गोल गोल घूम के जाऊँगा तो वहीं पर आ जाऊँगा, तो इस रास्ते के कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट यहीं से होते हुए जो है मुझे अभी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लू तो मुझे मिलेगा ऊपर के साइड। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है देखने को, इतनी बड़ी एयरशिप है और इसे चालू करने में इतना टाइम लग रहा है। ये वापस से वहीं आ गया क्या मैं? ऑल राइट वापस चलता हूँ। मतलब इनके रास्तों का इतने ज़्यादा आइडेंटिकल रास्ते हैं ना कि रास्ते को पता नहीं चलते कि मैं कौन से वाले रास्ते पर जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। ये वाला रास्ते पर जाना था, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे रास्ता बचा हुआ है, ये भी यहाँ पे चालू नहीं है, ठीक है। इसको जो है मैंने यूज़ कर लिया है और यहाँ से वो जो है ऊपर की तरफ जा चुकी है और मुझे ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना है। चलो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से होगा, इन दोनों तरफ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। ये दरवाज़ा खुला होना चाहिए बट ये खुल नहीं रहा है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये वाला दरवाज़ा भी यहाँ से बंद है और यहाँ पर भी कोई भी चीज़ जो है नहीं खुलने वाली है। सिर्फ यहाँ पे यही बचा हुआ है, इसको मैं ऑल राइट इसको मैं पहले ही कर लेता तो कितना बेटर था। और वो यहाँ पे नीचे की तरफ जा चुका है, सही है। ऑल राइट समझ गया मैं, और नीचे चला गया वो, बढ़िया। मतलब अब मैं उस वाले रास्ते से, एक सेकेंड ये क्या नौटंकी है, ये सेंटर वाले में आ गया ना। मतलब अब ना ये घूमना चालू हो चुका है, ठीक है। मतलब अब ये वर्किंग कंडीशन में है, बाकी के दो भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इसी के अंदर बैठ के जो है यहाँ पे नीचे की तरफ चल लेता हूँ। पहले पता चल जाता ना तो इतना टाइम खोटी नहीं होता। यहाँ से तो रास्ता बंद है, यानी कि मुझे नीचे से बैठना होगा इस पर, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके। कहाँ से बैठना होगा, एक सेकेंड, यहाँ से रास्ता खुला है क्या? अभी भी नहीं खुला है। वापस जाऊं क्या मैं? नीचे नीचे नहीं जा रहा मैं, एक बार चलकर देख लेता हूं। शायद से हो सकता है यहां पर किसी चीज उसको, मतलब मैं बैठ सकता हूं, या फिर हो सकता है जो सबसे नीचे वाली जगह थी जहां पर मैं अभी अभी गया हुआ था वो जो है पहले वहां पे गायब हो गया था, तो हो सकता है वो जो है वहां पे फिर से वापस आ गया हूं। तो एक बार चलकर देख लेता हूं वापस से। ऑल राइट तो यहाँ पर जो है मैं ऊपर की तरफ फिर से आ चुका हूँ, उसी वाली मैकेनिकर्स, मतलब उसी वाली मैकेनिक्स के पास, सामने वाली। और यहाँ पर ना ये जो है ऊपर का, ऊपर की तरफ आएगा तो इसका जो है मुझे इंतज़ार कर लेना होगा। और ही क्रीचर पता नहीं कैसे मर गया, मैंने तो नहीं मारा इसको। ऑल राइट तो ये ओपन होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, बढ़िया। एक सेकेंड, यहाँ पर फिर से जो क्रिएचर जो मेरे बॉडी पर चिपका हुआ है वो यहाँ पर परेशान करने लगा है मुझे। अभी मेरी जो HP है और कम होने वाली है। ऑल राइट कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये ऊपर नीचे जाएगा तो मतलब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ ऊपर नीचे जाने में। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं वो मुझे मिलने वाली हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट मुझे मशीन मिल जाए सबसे पहले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि HP लगभग मेरी ख़त्म हो ही चुकी है। ये क्या है? ये वही वाली मशीन होनी चाहिए, ये क्या चीज़ है भाई? एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो मुझे ना मेरे हिसाब से मुझे गन टाइप की मिल चुकी है, लेकिन इसमें गोलियां नहीं है। ऑल राइट ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टर्टल लगा दिया है और ये गोलियां जा रही हैं क्या इसके अंदर? ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे गोलियां मिल चुकी हैं और मैं रिलोड कर सकता हूँ। ऑल राइट तो मतलब ये काम था छोटे से टर्टल का।
बढ़िया, ये तो सही है। मुझे कितनी गोलियां मिली हैं? 3, 2, 5। 5 गोलियां ये मुझे मिल चुकी हैं। मेरे पास ना अलग अलग वेपन है अभी, एक ये वाला वेपन है और एक ये वाला वेपन है। ठीक है, अभी मैं इसी को लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी गोलियां हैं। जितने बड़े बड़े क्रिएचर आएंगे उनको मैं इनसे मार दूंगा। आ गया, ये ले, निकल, ये निकल। 2 गोलियां मर गया, बढ़िया। 1 सेकेंड, नहीं 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 1 सेकेंड, निकल निकल निकल। और है क्या? ये तो एकदम सही है यार, काफ़ी बढ़िया गन मिली है मुझे और सही टाइम पे मिली, एकदम बढ़िया। अभी मेरे पास सिर्फ 5 ही गोलियां हैं, ज़रा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा इनका मुझे। जब तक मेरे पास HP नहीं होती जब तक मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, उस साइड जाकर देखता हूँ। गन एकदम मस्त मिल गया, मज़ा ही आ गया। ये क्या चीज़ है? ऑल राइट, ये शायद से, ये क्या चीज़ है भाई? आ, यहाँ पर ये फिर से एक पजल आ गया, तो फटाफट से इस पजल को जो है मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो इसमें 3 में तो लाइट जल रही है और मैं इसमें अगर इसको एक बार प्रेस कर रहा हूँ, मतलब एक और बार इसको रोटेट कर रहा हूँ तो सेंटर में लाइट जल रही है। तो मुझे ना इसका कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि जो चारों की चारों लाइट है ना, ये यहाँ पर एक बार में जो है चालू हो जाए। तो इसको जो है मुझे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जो है सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो लॉक है ये यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको अनलॉक करने में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो है अनलॉक तो हो चुका है। और यहाँ पर ना कोई चीज़ जो है बाहर की तरफ आई हुई है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। 1 सेकेंड, ये वही चीज़ है जो कि ऊपर की तरफ लगेगी उस मैकेनिक्स के अंदर। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर वापस से जाना चाहिए उसके अंदर वो लगाने के लिए। और रास्ता कौन सा था? यही तो था ना। 1 सेकेंड, रास्ता यही था। तो अभी फटाफट से यहाँ पे इसको ऊपर आने का वेट करता हूँ मैं। ऑल राइट, अभी फटाफट से सामने की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे जो एक मैकेनिक्स है उसका वो यहाँ पे लगा दूँगा जिससे कि वो जो है यहाँ पे चालू हो जाए। चलो, इससे पता नहीं क्या होने वाला है। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक और जो रास्ता है वो यहाँ पे खुल चुका है मेरे लिए, मतलब अब मैं ना उसके अंदर बैठ के और नीचे जा सकता हूँ, इतना पक्का है। चलो, ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है सेकंड वाला जो दरवाज़ा है वो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और यहाँ पे मैं ना उसके लिफ्ट के अंदर बैठ के यहाँ पे सेकंड वाले में भी जा सकता हूँ जिससे कि मुझे इसका जो थर्ड वाला है ना ये यहाँ पर मिल जाए। बट मेरी यहाँ पे HP लो है, इसी चक्कर में मैं अभी यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो इस वाले इस्कॉन के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो इस्कॉन का एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ इस्कॉन के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी बढ़िया की वीडियो के साथ। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि यहाँ पर ना मैं अपनी HP को किस टाइप से बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब ना मुझे वो वाली जो मशीन है वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो उसके बारे में जरूर से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले इस्कॉन के एपिसोड में ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा।